वीर महाराज का और काली माता का। महाराज जिन्होंने अपना सर कट गया ना उसके बाद भी लड़ाई करते हुए हमारे गांव की रक्षा की थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगी। तो गुजरात के प्यारे से सुंदर से गांव से आप सबका स्वागत है और काफ़ी सारा उजाला हो गए हैं। और मॉर्निंग में देखो मम्मी आज तो खेत में नहीं गए या घर पे ही घास चारा निकाल रहे हैं। देखो यह छोटी सी खेतीबाड़ी की है शाकबाजी की और यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी कचरा हो ना साफ कर रहे हैं मम्मी। घास चारा भी हो जाए और ऐसा कोई साफ या ऐसा कुछ हो ना, इसलिए आना हुआ आना हुआ। तो मम्मी ने इसके ऊपर सांप देखा था, यहाँ से उतर के यही छुपा था, इसलिए यहाँ साफ सफाई हो रही है। कहीं मॉर्निंग में उठे और आके हम सीधे मॉर्निंग में उठ के यहाँ ही आते और कहीं उठे और सीधा कर दिया तो इसलिए। भैया बाप पानी वाला इलाका है ना, तो ये गर्मी के मौसम में क्या है कि यहाँ आके छुप जाते हैं। तब से दोनों एक दूसरे को मस्ती कर रहे थे और जैसे भी हम आए हमें मारने के लिए आ रहे हैं। ये खाने के लिए नहीं है भाई। और देखो इसने कहाँ लगा दिया है, पास नहीं जाएंगे। लो लो। तो आज का कुछ ऐसा प्लान है कि आज मनु को कॉल किया है और दोनों भाई जाने वाले हैं यहाँ हमारे गांव में ही, यहाँ हमारा खेत है ना उसके नज़दीक वीर महाराज का मंदिर है और हम व्लॉग शूट करते हो और उनको आगे ना करें ऐसा बन नहीं सकता। और इसकी वजह यह है कि हमारे गांव में बरसों पहले जब लड़ाई हुई थी, हमारे गांव के ऊपर हमला हुआ था ना, तो तब वीर महाराज जिन्होंने अपना सर कट गया ना उसके बाद भी लड़ाई करते हुए हमारे गांव की रक्षा की थी। बरसों से बहुत मानते हैं वीर महाराज को और छोटी सी छोटी बात हो ना जब उनको बताते हैं ना तो काम तुरंत हो जाता है, तो वहाँ तो जाना बनता है। तो जैसे ही मनु आता है तो दोनों भाई जाएंगे वीर महाराज के मंदिर। तो पहुंच गए यहाँ वीर महाराज के मंदिर। तो यहाँ दो मंदिर है, देखो ये है वीर महाराज का और काली माता का, दोनों का साथ में मंदिर है। और ये हमारे यहाँ वीर महाराज को बहुत ज्यादा ही मानते हैं यहाँ गांव में। तो ये है मंदिर का ऊपर का भाग और यहाँ हम बचपन से जब भी आते हैं ना तो यहाँ मंदिर के ऊपर चढ़ते ही, यह हमारे पास में ही है खेत, ये सामने दिख रहा है ना, ये हमारा ही खेत है। और वैसे मम्मी के साथ बचपन में आते थे ना यहाँ खेत में, तो यहाँ मंदिर पे तो आते ही थे। हमारे वीर महाराज का इतिहास कुछ ऐसा है कि ये जो मंदिर है ना वीर महाराज, वो बरसों पहले या हमारे यहाँ ये जो इलाका है वो वीर महाराज का ये मंदिर है ना, यहाँ से थोड़ी दूर वेदेन बोलते और वहाँ लड़ाई हुई थी और लड़ाई में है ना वीर महाराज का जो सर है ना वो धड़ से अलग हो गया और जो सर है ना वो हमारे गांव, ये हमारा कंकुपुरा है और वहाँ बड़ा वाला गाँव है ना गोठवा, वहाँ उनका सर गिरा था और यहाँ धड़ लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए थे और यहाँ आके धड़ गिरा था। तो यहाँ आएंगे तो दो मंदिर है यहाँ कंकुपुरा में और गोठवा में और इस एरिया में बोलते वेदन जहाँ लड़ाई हुई थी।
आज थोड़ा बहुत शेयर भी करवा देते हैं हमारे गांव का। तो देखो कैसा रास्ता है, ये खेतों के बीच का रास्ता है। आगे से कोई भी बाइक आएगा ना तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा, उसको जाने देंगे और बाद में यहाँ से निकलेंगे। और एक बार नीचे उतर गए ना तो फिर चढ़ नहीं पाएंगे। गांव के ड्राइवर ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं आराम हराम है, पर फिर भी आराम करने के बाद दोपहर के बाद देखो हम तो सो रहे थे पर यहाँ मम्मी ने छुटिया ने कुछ काम काज कर रहे हैं, इनको तो पार्टी बन गई है। देखो ऐसे खाना खा रहे हैं सर पे उछाल के। अरे तेरा नहीं खाएंगे भाई ये है। देखो 2-3 साल से यही पड़ा था अंदर से, फिर मिट्टी है। बाहर से दिख रहा था एकदम नुक्कुर है और अंदर से देखो क्या निकला है, कुछ नहीं है। ये पूरे की मोरी मिट्टी देखो, ओनली फॉर उदे भी है कीड़े मकोड़े भाग रहे। देखो ये तो जो खाई इधर ने ऊपर लाकर देखा तो वो हालात ही रहती है, कुछ निकला नहीं है इसमें से मिट्टी के अलावा। मिट्टी के अलावा पूरे का पूरा फाड़ दिया पिया ने। देखो हमारी बैठक पे कैसे आके बैठे सारे लोग और उनके आगे कुत्ते दुम बजा रहे हैं। नज़दीक नहीं जाएंगे वरना एक लात खाएंगे, यही बैठेंगे यहाँ हमारी बैठक पे खा बैठा है। तो उनके पास तो नहीं जाएंगे क्योंकि पास में जाएंगे तो डर के मारे एक लात हमें भी दे देगा और हम लात खाएंगे नहीं तो पास में नहीं जाएंगे उसके। दिन तो काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि काफ़ी शाम का वक्त है और देखो टाइम दिखाऊँ ना तो 7 बज गए। वैसे तो 1 महीने पहले 7 बजे हो ना तो ये पूरे का पूरा अंधेरा हो जाता था, अरे थोड़ा बहुत जो उजाला दिख रहा है ना वो भी नहीं था, पर अब है। और अभी थोड़ा बहुत दिन बड़ा होगा क्योंकि देखो 7 बजने में 7 मिनट बाकी है पर अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। और आज तो मम्मी गाय भैंसे को अंदर बांध रही है, गाय और सभी को पता नहीं थोड़ी बहुत ठंडी का रात को एहसास होता है तो ठंडी ना लगे और कहीं बीमार हो गए तो इसलिए। देखो जैसे जैसे 1-1 मिनट चलेगी ना अंधेरा होता जाएगा। और यहाँ तो लाइट का सभी ये सेटअप चलता है बांध देंगे। अब थोड़ी बेटर हो गई हमारी ये ब्लॉक की क्लियरिटी, वरना ऐसा टाइम हो और ऐसा थोड़ा बहुत भी अंधेरा हो ना तो इस फ़ोन में तो बत्ती गुल हो जाती थी। चलो चलो घुस जाओ अपने घर में। देखो भाग रहे हैं अंदर कुछ